हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज से हम आईआईटी जेएम 2020 के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो आईआईटी जेएम के अंदर अबाउट 50 मार्क्स कंटेन करता है। और फ्रेंड्स, ये जो पोर्शन है ये बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन होता है। अगर किसी ने प्रॉपर वे में पढ़ाई करी है और मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस सही होने की प्रोबेबिलिटी उस स्टूडेंट की बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स को आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। और फ्रेंड्स, ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है इसके अंदर मेनली चार टॉपिक्स आते हैं, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस और आपका फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। फ्रेंड्स, ये तो सारे टॉपिक्स हैं, ये जेएम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा जो हमारा गेट मैथमेटिक्स का एग्जाम है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। गेट के अंदर जो पहली यूनिट है रियल एनालिसिस, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा ना फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, आपको उसी तरीके से फॉलो करते हुए चलना है। और फ्रेंड्स, जब लास्ट आएगा, बिल्कुल जब हम इंटीग्रल वेक्टर पढ़ेंगे तो आप बोलोगे कि सर हम बिल्कुल मास्टर हो गए हैं इस टॉपिक में, और मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स को ज्योमेट्रिकली लिंक करके पढ़ाऊंगा, मतलब आपको चीजों को ज्योमेट्रिकली भी विजुलाइज करवा के बताऊंगा। फ्रेंड्स, जो हमारा जेव 2019 का पेपर था वो बहुत ही स्कोरिंग पेपर था, उसमें मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स में लोगों ने काफी स्कोर किया था। तो जेएम 2020 के अंदर किस तरीके से पेपर को मॉडिफाई किया जा सकता है या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस और करनी चाहिए, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ बताई जाएंगी। तो अभी मैं आपको फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के बारे में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स जो भी इसके अंदर आती है उन सभी को क्लासीफाई करके बताऊंगा। और फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ये बहुत ही फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स से सीखना स्टार्ट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मेरा पहला वाला पोर्शन है वो है ज्योमेट्री ऑफ स्पेस, कर्व्स सरफेसेस, ज्योमेट्री ऑफ स्पेस, कर्व्स सरफेसेस एंड दियर पैरामेट्राइजेशन, एंड दियर पैरामेट्राइजेशन। तो फ्रेंड्स, अगर कोई ज्योमेट्री ऑफ स्पेस सीख गया और कर्व्स सरफेसेस और पैरामेट्राइजेशन सीख गया तो उसके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का आगे का पूरा रास्ता आसान है। फ्रेंड्स, तो इसको मैं आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ाने वाला हूं। और फ्रेंड्स, जो भी आपके लॉजिकल आइडियाज है, क्रिएटिविटी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उसको मैं अप्रिशिएट करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पर आप अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको एक नया पढ़ने का तरीका मिलेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स को, बिल्कुल अगर आप फॉलो करते हुए चलोगे, असाइनमेंट के क्वेश्चंस लगाते हुए चलोगे और टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस लगाते हुए चलोगे तो मतलब आपको बहुत मजा आने वाला है। और मतलब फिर आप नेट का क्वेश्चन लेके आइए, गेट का क्वेश्चन लेके आइए, जेएम का क्वेश्चन लेके आइए, मतलब लगभग आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा पहला यूनिट हुआ, इसमें अगर आप मास्टर हो गए ना फ्रेंड्स तो इंटीग्रल और वेक्टर कैलकुलस आपकी है, मतलब आप इंटीग्रल और वेक्टर के क्वेश्चन लगा लोगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो टॉपिक है ये जेएम में लगभग 2-4 मार्क्स कंटेन करता है। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर अगर आपने 40-50 क्वेश्चन भी लगा लिए ना फ्रेंड्स, तो आप जेएम के अंदर इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, और ये बहुत ही कम टाइम में अटेम्प्ट होने वाला टॉपिक है, तो इसकी प्रैक्टिस मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। इसके अंदर क्वेश्चन को करने की एक प्रॉपर एल्गोरिदम होती है, उस एल्गोरिदम को आपको फॉलो करना होता है और उस पर बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ये टॉपिक मतलब आपका स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं फ्रेंड्स आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ाऊंगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हर साल एक क्वेश्चन जेएम के अंदर पूछा जाता है, तो ये भी लगभग 1-2 मार्क्स कंटेन करता है और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। तो एग्जाम के अंदर फ्रेंड्स टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते,
मतलब जो सिलेक्शन होता है वो मीडियोकर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपने वहां मिस्टेक करी है तो वही सिलेक्शन नहीं होने का रीजन होता है, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होता है उसके अंदर तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन जो मीडियम से लेके टफ क्वेश्चन होते हैं वो ही एग्जाम का फेट डिसाइड करते हैं, यानी कि वही एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड करते हैं। तो मतलब आपको मीडियम से लेकर टफ क्वेश्चंस पर अपनी बहुत अच्छी कमांड बनानी है, तो उस कमांड को बनाने के लिए आपको जो अपने क्वेश्चंस जो आप जिनकी प्रैक्टिस करते हो वो टफ टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से सोच पाओ। तो फ्रेंड्स मतलब जितने वैरायटी के क्वेश्चंस आपको यहां मिल जाएंगे ना उतना मतलब सफिशियंट होगा। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बाद मैं आपको चेन रूल पढ़ाने वाला हूं। फ्रेंड्स चेन रूल के दो वर्जन है, जनरल वर्जन मतलब वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, और यहां से भी 1 or 2 marks का मतलब 1 या 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, तो ये भी बहुत स्कोरिंग यूनिट है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ाने वाला हूँ। मैक्सिमा एंड मिनिमा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ भी लगभग 2 to 3 marks के क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अभी जैसे जेएम 2019 के अंदर आया था कि इन चारों में से कौन सा सैडल पॉइंट होगा, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कितने होंगे, तो उन्होंने फंक्शन दिया था, तो मतलब यहाँ से 5 marks के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो, उनके उनको मतलब ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना पसंद है, तो ये टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको मैथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर पढ़ाऊंगा, मैथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ये भी जेएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर भी आपको मतलब जितने वैरायटी के क्वेश्चन मैं करा दूंगा ना उतना मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसमें फिर आप ये एनवीएचएम में भी पूछा जाता है, गेट के अंदर भी पूछा जाता है, और जेएम के अंदर तो लगभग हर साल इसका 1 या 2 question पूछे जाते हैं। तो मतलब ये मेरा फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल का मैंने इसको क्लासिफाई किया डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में, और बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, मतलब जो 0 level का स्टूडेंट होगा उसे भी समझ में आएगा, और फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो ये मेरा अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर पहला यूनिट होगा, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। थैंक यू फ्रेंड्स।